पुल की दुर्दशा देखकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश। आवागमन रास्ते में पुल से निकलने के लिए ग्रामीणों को लग रहा है खतरा। लगभग 20 वर्ष पहले बनाया गया था पुल। मामला फतेहपुर जनपद के देवमय विकास खंड क्षेत्र के नहरा मऊ पहाड़ीपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जबकि इस रास्ते से होते हुए पुल से कई गांवों के लोग निकलते हैं। टूटे हुए पुल को देखते हुए कई गांवों के ग्रामीणों ने जताई भारी नाराजगी। पुल टूट जाने से कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। वहीं जब हमारे संवाददाता राजेश गौतम ने प्रधान समेत ग्रामीणों से बातचीत की तो ग्रामीणों में भारी आक्रोश दिखाई दिया। विकास खंड देवमई क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है नहरा मऊ, जहां पर एक पुल की दुर्दशा ऐसी देखी जा रही है। आज ग्रामीणों का आवागमन भी उसी पुल से है और उस पुल की ऐसी दुर्दशा है जहाँ पर कोई शासन प्रशासन का अधिकारी या शासन प्रशासन के लोग भी नज़र नहीं पड़ते। गांव वालों में इतना भारी आक्रोश है, जो आवागमन रास्ता है वो भी ठप हो रहा है। खतरे की जगह बनी हुई है ये पुल, जहां पर गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां निकलती है। गांव वाले बताते हैं कि यहां पर एक पहले भी हादसा हो चुका है और इस पुल के बारे में हम ग्रामवासियों से बात करेंगे, जबकि हमारे साथ ग्राम प्रधान भी मौके पर मौजूद है। प्रधान जी, कौन सा गांव है ये पुल की जो दुर्दशा हुई है, ये क्या कारण है, क्या कहां से मांग किया है आपने कुछ है? ये हम कई जगह मांगा है, साध्वी जी से हमारी बातचीत हुई है, बातचीत हुई है। और जो हमारे ये अभी जय कुमार साहब हैं, वो दिखाया है लेकिन कुछ कहा भी नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? विजय कुमार। आपका शुभ नाम? बादल। ये क्या पुल की क्या दुर्दशा है, क्या बताएंगे? अब कई जगह हम लोग मांग किए हैं पर इसकी कोई सुनवाई नहीं करता, ना जांच करने आ रहा है। तो हम कई बार कई जगह हमारे संदेश भेजे हैं कि साहब थोड़ा देख लो ये काम होना है कि नहीं होना है, पर यहाँ कोई आता नहीं है। अच्छा, इसमें कभी कोई हादसा भी हो चुका है? हाँ, तीन हादसे हो चुके हैं इसमें। कई बार ट्रैक्टर गिर गया, दो गाड़ियाँ गिर गई, दो पहिया, उसमें कम 6 आदमी की मृत्यु हो गई है अभी तक। लगभग कितने वर्षों पहले बना है पुल ये? लगभग 20 साल हो गए। लगभग 20 वर्ष पहले ये पुल बना है, लेकिन अभी तक कोई शासन प्रशासन का लोग इसमें देखने नहीं आए। आइए हम पुल की दुर्दशा दिखाएंगे कि पुल कैमरामैन से दिखाएं कि पुल कैसा बना हुआ है और इसकी कंडीशन क्या है। ये पुल जो है ये बना हुआ है और ये कैसी है, तस्वीरें दिखाएं पुल की। पुल की जो दुर्दशा हुई है, यहाँ पर अभी तक कोई शासन प्रशासन का अधिकारी या कोई भी वासियों में भारी आक्रोश है। कैमरामैन से कहूंगा ग्रामीणों का आक्रोश दिखाएं। ग्रामीणों का नहीं मिल रहा है तो कोई व्यक्ति गांव में वोट मांगने नहीं आएगा। कोई व्यक्ति गांव में वोट मांगने नहीं आएगा। पहले पुल का निर्माण होगा, इसके बाद वोट मांगने आएगा। ये हमारी सबकी मान्य गांव वालों की अच्छा है कि पहले पुल बनाए। ये ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दे रहा है, इधर कैमरामैन से आक्रोश दिखाएंगे। बहुत आक्रोश दिखाई रहा है हमारे इसमें। कफरिया से नादावों के बीच के दो रास्ता है, मेन ये मेन रास्ता, इसमें कई गांव लगते हैं। करनपुर, नहरा मऊ, कपड़िया, उसार, इसमें कई गांव, पहाड़ीपुर, इसके बीच में गांव ये आता है। पहले इसका विकास करें, इसके बाद गांव में मांगने आए, वोट मांगने आएंगे तो कोई व्यक्ति वोट नहीं देगा। पहले इसका विकास करें हैं। और ये ग्रामवासियों का आक्रोश है, जो पुल के कारण आवागमन रास्ता भी ठप है। कैमरामैन के साथ राजेश गौतम। पहले एक बार यूएफटी न्यूज 24 के लिए संवाददाता राजेश गौतम की ग्राउंड रिपोर्ट।